फ्रेंड्स मैं विनोद डरे देखिए आज निफ्टी के ऑप्शन चाहे एनालिसिस करेंगे हम कल के लिए और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या संभावनाएं बन सकती है निफ्टी में। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजीज, ये टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजीज, ये ब्लॉग है विनोद डरे डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, फेसबुक है हेजिंग स्टडी बाय विनोद डरे, ट्विटर हैंडल है बाय हेजिंग, व्हाट्सअप नंबर है 9699646408। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब में हमारे साथ जुड़िए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ओके चलिए सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट की तरफ। देखिए निफ्टी के चार्ट में हम आ गए, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल सिग्नल हमें मिला है, ये देखिए ये सेल सिग्नल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 12122 में सेल सिग्नल मिला है और तब से अभी तक निफ्टी सेल ही चल रहा है, अभी तक बाय सिग्नल इसने दिया ही नहीं है निफ्टी ने हमें। तो अब चार्ट में खराब दिख रहा है, एक बार डेली चार्ट भी देखेंगे, डेली चार्ट भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो कैसा है कि देखिए ये जो सिस्टम है हमारा जो टेक्निकल का सेटअप है इंट्राडे का 15 मिनट का, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, 70-80% का सक्सेस रेशियो देता है, करीब 10 ट्रेड अगर लेते हैं तो उसमें से करीब आप ये समझिए कि हमें 7-8 ट्रेड प्रॉफिट के मिल जाते हैं। थोड़ा सा हैंग हो रहा है इन्वेस्टिंग आज, लेकिन चार्ट मैंने देखा था तो मेरे को डेली चार्ट पे भी निफ्टी खराब ही दिखा था। अब हम क्या करेंगे, चार्ट को छोड़ देते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। देखिए ऑप्शन चेन में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए ये हमारा ब्लॉग है vinaymandari.blogspot.com, यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, बहुत से बेनिफिट ले सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर मिलती है आपको, कुछ लिंक्स हैं जिनका हम यूज़ लेते हैं ट्रेडिंग के लिए, आप भी यहाँ पर इन सब चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके और देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजी, इसमें ज़रूर जुड़िए, इसमें भी लेटेस्ट न्यूज़ जो भी रहती है हम अपनी तरफ से डालते रहते हैं, तो उसका भी आप बेनिफिट एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ले सकते हैं। चलिए हम ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं, इस ऑप्शन चेन को हम पेंट में ले लेते हैं, पेंट में लेने के बाद थोड़ा देखते हैं कि क्या हुआ है इसमें। सबसे पहले आ जाते हैं 11,797 मतलब हो गया हमारा 11,800 के पास में आ जाते हैं। कॉल साइड में देखिए यहाँ पर कॉल राइटिंग है, ये सब कॉल राइटिंग है यहाँ, ये कॉल राइटिंग 13 लाख की कॉल राइटिंग क्या है, ये 11,900, मैंने कल भी बोला था 11,900 के ऊपर निकलना मुश्किल है, यहाँ कल के लिए भी मुश्किल लग रहा है 11,900 के ऊपर निकलना। 12,000 में क्या सिचुएशन है, 12,000 में 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट, देखिए 12,000 तो क्या है भूल जाओ कि रेंज आएगी अभी हाल फिलहाल तो। अच्छा 11,700 में 6,61,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 6,61,000 11,700 ओके, और 600 में क्या है 2,22,000, 800 में 18 लाख के आसपास हो गया है ओके। चलिए देखिए सही है, डेटा खराब ही है, कॉल साइड का डेटा खराब ही है, लेकिन पुट साइड से थोड़ा सा और देख लेते हैं पुट साइड में क्या है सिचुएशन। 800 में यहाँ पे पुट राइटिंग, ये सब पुट राइटिंग ही है यहाँ तक। अच्छा 11,500 में भी काम हुआ है, ये क्या है 11,500 में 3,09,000, 11,500 में लॉन्ग अनवाइंडिंग ओके। देखिए 11,500 में जो पुट खड़े थे जो बाय थे वो अनवाइंड हो चुके हैं 3,09,000 ओके, और इधर क्या है 850 27,34,00,000 ऊपर इंटरेस्ट ओके, फिर 600 में 23 लाख ओके, वॉल्यूम ये हो गया अपना 11,900 12,000, ये कल के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब सा नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं बोलूँगा मैं, जैसे हम अभी 11,800 के पास में 797 में हमने क्लोजिंग दिया है आज, तो मेरे को ज़्यादा नहीं लग रहा 700 तक दिख रहा है कल के लिए 11,700
11,700 ये रेंज आनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा इसके एग्जैक्ट की बात करूं तो मेरे को 11,707 दिखता है कल के लिए, 11,707 ये कल आना चाहिए निफ्टी को। और उसके नीचे एकदम तो नहीं दिख रहा है कि उसके नीचे की तरफ थोड़ा स्लिप हो, लेकिन वन शॉर्ट का ही सौदा रहा है, शॉर्ट का ही सौदा बन रहा है। 2 मिनट एक बार कॉल साइड और देख लेते हैं। 11,700, 17 लाख इधर, 6,61,000 इधर। ओके हाँ, तो मेरे को क्या लगता है, मेरे को लगता है कि 11,707 या 11,700 जो भी है ये रेंज के आसपास कल आना चाहिए बाजार को। और कल अगर गैप अप मिलता है तो मैं शॉर्ट करूंगा। अगर कल गैप अप मिलता है, मेरी बात को सुनना, अगर कल गैप अप मिलता है तो मैं शॉर्ट करूंगा। और स्टॉप लॉस तो मैं नहीं करता हूँ, मैं अगर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि गड़बड़ हो सकती है या गलत हो सकता है सौदा, तो मैं हैज कर लूँगा अपनी पोजीशन को, क्या करूँगा, हेजिंग कर लूँगा। लेकिन फिर भी अगर मैं बात स्टॉप लॉस की करूँ तो स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर का आ रहा है, 11,907 का ये SL है मेरा, 11,907। और जो मेरे को लगता नहीं कि 11,900 जाएगा बिल्कुल भी, ये SL रखेंगे। लेकिन SL मैं रखता नहीं हूँ, जैसा आप लोग जानते हैं मेरा हेजिंग रहता है, हेजिंग में SL की जरूरत नहीं पड़ती। हेजिंग में क्या है, रिस्क हमारा लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड के चांसेस हैं, या फिर रिस्क लिमिटेड तो प्रॉफिट भी लिमिटेड, 1:2, 1:3, 1:4 के रेशियो के हिसाब से काम होता है, उस हिसाब से काम किया जा सकता है। लेकिन कल के लिए भी मेरे को बाजार खराब ही लग रहा है। 11,707 ये चीज़ ध्यान रखिएगा कल के लिए, ओके। और आप अगर ऑप्शन की स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, देखिए यहाँ वीडियो में बहुत सारे आपको ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज मिलेंगी जिनका आप यूज़ ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं। आप अगर मेरे से सीखना चाहते हैं तो मेरे नंबर 9699646408 में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।